हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ज़ारास डेली लाइफ। तो सबको रमज़ान मुबारक हो। और आज मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है काले छोले या काले चने, आप लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया, ज़ीरा ले लिया, प्याज को हम अच्छे से सौते कर, यहाँ पे हमने प्याज को कर लिया, हम अच्छे से इसको पिंकिश ब्राउन कर लेंगे और फिर हम इसमें टमाटर इसमें ऐड करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है और बहुत ही मतलब कम उस पर टाइम में ये रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे टमाटर ले लिए हैं, बॉयल्ड आलू हैं और जो है इमली का पल्प मैंने पहले से जो है निकाल के रख लिया है। तो यहाँ पे देखिए प्याज को, तो यहाँ पे देखिए इमली का पल्प मैंने पहले से निकाल के इसको थोड़ा सा पानी डाल के और इसको मैंने बॉईल कर लेता था कि इसकी थिकनेस आ जाए। तो यहाँ पे मैंने कुटी में मिर्च ऐड करी है, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करूँगी और थोड़ा सा ही मैं चाट मसाला इसमें ऐड करूँगी, ठीक है, इमली के पल्प में। और इसको अच्छे से हम मिक्स करके रख लेंगे। आधा हम जो है वो पहले डालेंगे और आधा हम बाद में डालेंगे। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर मैंने तकरीबन 7-8 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे क्योंकि मैं अच्छी क्वांटिटी में छोले बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने जो है टमाटर को ऐड कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे तकरीबन टमाटर आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट भी हो गए, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, ठीक है। हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। अब हम इस पॉइंट पे हमने थोड़ा सा जो हमने इमली के पल्प में जो स्पाइसेस ऐड करी थी वो इसमें ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। थोड़ा हम ऊपर जब हम चने डालेंगे तो फिर हम उसके लिए बचा लेंगे। तो ये देखें यहाँ पे तकरीबन अच्छे से जो है अब ये पक चुका है। तो यहाँ पे मैंने चने ऐड कर दिए हैं, मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे और जो है इसको हम अच्छे से मिक्स। मैंने सारे जो है चने इसमें ऐड कर दिए थे। अब मैं जो है यहाँ पे जो है बॉयल्ड पोटैटोज़ इसमें ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने इमली का पल्प स्पाइसेस जिसमें ऐड करी थी वो इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको हम 5 से 4 मिनट के लिए हम दम पर रख देंगे और फिर इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी गार्निश करके, ठीक है। तो ये देखें आप कितना ज़बरदस्त ये लुक आया है और ज़रूर इसको ट्राई। तो ये हमारा फाइनल लुक हो चुका है, रेडी हो चुके हैं। मसाला अच्छे से भून चुका था, अच्छे से बुनाई हो चुकी थी, तो हमने इसे सर्विंग बाउल में डाल दिया था। फिर मैंने ऊपर से जो है हरी मिर्च इसमें गार्निश कर दिए हैं, हरा धनिया करेंगे और थोड़ी सी हम इसमें पापड़ी ऐड करेंगे। आप लोग चाहें तो इसमें सेंटर में चॉप की भी प्याज भी रख सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये वैसे ही इतने जो है अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा और मेरी रेसिपी को फॉलो करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और अल्लाह ताला पाक जो है हम सबके रमज़ान बहुत अच्छे से गुजार दें। आमीन और अल्लाह हाफ़िज़।